कारसाज रोड पर ट्रैफिक हादसे में हलाकतों और जख्मियों के हवाले से आपको बताते चलें कि पुलिस का FIR में नशे की इत्तिफात शामिल करने का फैसला। शोबा तफ्तीश की जानिब से नशे की सेक्शन शामिल किए जाएंगी। नताशा दानिश की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद फैसला किया गया। केस में अहम पेशरफ के साथ अहम इंकशाफात भी सामने आ गए। नताशा की फैमिली ने केस ख़त्म करने के लिए पुलिस से राबता किया है। इब्तदाई तौर पर 4 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई है। पुलिस से कहा गया है कि वो राजी नामे पर अपना किरदार अदा करें। पुलिस को बड़े पैमाने पर प्रेशर में लाने की कोशिश भी की गई है। पुलिस की जानिब से गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया गया। हाई प्रोफाइल केस में पुलिस बिला तफरीक कार्रवाई कर रही है। ईस्ट जोन पुलिस ने बगैर दबाव कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। आपको बताते चलें कि कारसाज रोड पर ट्रैफिक हादसे में हलाकतों और जख्मियों का वाकया है। पुलिस का FIR में नशे की दिफात लगाने का फैसला। शोबा तफ्तीश की जानिब से नशे की सेक्शन शामिल की जाए। नताशा दानिश की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद फैसला किया गया। केस में अहम पेशरफ के साथ साथ अहम इंकशाफात भी सामने आ गए हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे समीर कुरैशी से। जी समीर कुरैशी, आगाह कीजिएगा कि पुलिस को 4 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई है। जी देखिए, ये कारसाज रोड पर ट्रैफिक हादसे में हलाकतों और जख्मियों का जो वाकया है, पुलिस का FIR में अब नशे की दिफा लगाने का जो है वो फैसला किया है। शोभा तफ्तीश की जानिब से नशे की सेक्शन 11A इम्तनाए मुनशियात जो है वो शामिल की जाने का इम्कान है। नताशा दानिश की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद ये फैसला किया गया है। केस में अहम पेशरफ के साथ अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। नताशा की फैमिली ने केस खत्म करने के लिए मुबैना तौर पर पुलिस से रब्ता किया और इब्तदाई तौर पर 4 करोड़ रुपए की ऑफर दी है। पुलिस से कहा गया कि वो राजीनामे में अपना किरदार अदा करें। पुलिस को बड़े पैमाने पर प्रेशर में लाने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से गैर जानबदारी का मुजाहरा किया गया है। पुलिस जराये का ये भी कहना है कि हाई प्रोफाइल केस में पुलिस बिला तफरीक कार्रवाई कर रही है। ईस्ट जोन पुलिस ने बगैर दबाव कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि यूरिन रिपोर्ट में वाजे तौर पर मेथामफेटामाइन यानी इंसाई मौलिक आइस नशे का पता चला है। रिपोर्ट पर डायरेक्टर लेबोरेटरीज एंड केमिकल एग्जामिनर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो डॉक्टर सलीम अब्दुल कदीर और डॉक्टर तहसीन शेख के जो है दफ्तर भी दस्तखत भी मौजूद है। मेट्रो 1 न्यूज़, हर पल की खबर।